आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले ही दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया। पहले राउंड के दूसरे ही मुकाबले में स्कॉटलैंड ने अपने से ज्यादा मजबूत और ऊंची रैंक वाले बांग्लादेश को 6 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड का एक ही खिलाड़ी अकेले बांग्लादेश पर भारी पड़ गया। क्रिस गिव्स ने पहले बल्ले से आतिशी पारी खेलकर टीम को मुसीबत से निकाला और फिर अपने स्पिन से 2 बड़े विकेट लेकर बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया। इस जीत से स्कॉटलैंड के 2 पॉइंट्स हो गए हैं और वह 4 टीमों के ग्रुप में ओमान के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश बिना पॉइंट के तीसरे नंबर पर है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और तीसरे ओवर में ही ओपनर और कप्तान काइल कोटजर खाता खोले बिना पैवेलियन लौट गए। इसके बाद जॉर्ज मंजी और मैथ्यू क्रॉस ने 40 रनों की साझेदारी की। क्रॉस का विकेट गिरने के साथ ही पतझड़ शुरू हो गया। मेहदी हसन और शाकिब अल हसन की स्पिन जोड़ी ने अगले 4 ओवरों के अंदर 4 और विकेट झटक लिए। शाकिब ने एक ही ओवर में रिची बैरिंगटन और माइकल लिस्ट के विकेट झटके और लासित मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। छोटे लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। सिर्फ 18 रन तक दोनों ओपनर सौम्य सरकार और लिटन दास पवेलियन लौट गए। फिर क्रीज पर टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों की जोड़ी जमी। शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ने कुछ अच्छे शॉट लगाए। दोनों टीम के लिए मजबूत साझेदारी करते दिख रहे थे, लेकिन फिर टीम को लगातार 2 झटके लगे। यहां से बांग्लादेश ने वापसी की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कप्तान महमूदुल्लाह ने 2 अच्छे शॉट लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन वह भी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 24 रनों की जरूरत थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम लक्ष्य से 6 रन दूर रह गई। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।